अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू केमिस्ट्री विद वदसर तनोली आई एम मुदसर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद वदसर तनोली डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेलाइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर करें सब्सक्राइब द चैनल लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द नाम क्लेचर ऑफ अल्केन डियर स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ नाम क्लेचर ऑफ अल्केन डिस्कस करूँगा वट इज़ Nomenclature, the systematic method of naming a compound, is called nomenclature. The systematic method of naming a compound is called nomenclature. Two methods are used for naming an organic compound. The first one is common system, and the second one is IUPAC system. किसी भी आर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने का जो सिस्टीमेथिक मेथड है उसको नामन क्लेचर कहा जाता है इसी आर्गेनिक को कंपाउंड को नाम देने के लिए टू मेथड यूज़ किए जाते हैं फर्स्ट मेथड जो है उसको कॉमन सिस्टम कहा जाता है और सेकंड सिस्टम जो है उसको आयुपेक सिस्टम कहा जाता है आर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए टू मेथड जर्नली यूज़ होते हैं द फर्स्ट वन इज़ द कॉमन सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ द आयुपेक सिस्टम अब कॉमन सिस्टम के तहत जो है आर्गेनिक कंपाउंड को नाम किस तरह दिए जाते हैं और आयुपेक सिस्टम के तहत जो है आर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे दिए जाते हैं वो आज के इस लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि कॉमन सिस्टम कौन से आर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होता है और आयुपेक सिस्टम जो है वो कौन से आर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होता है फर्स्ट ऑफ आल आई विल डिस्कस अबाउट द कॉमन सिस्टम वट इज़ मीन बाई कामन सिस्टम कामन सिस्टम उन आर्गेनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई होता है जिनमें कार्बन की तादाद कम हो फॉर एग्जांपल कार्बन की तादाद वन हो टू हो थ्री हो फोर हो तो ऐसे आर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए कामन सिस्टम यूज़ किया जाता है द डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग आर्गेनिक कंपाउंड इन कामन सिस्टम इज द फर्स्ट रूल इज़ the first four members from carbon 1 to carbon 4 are named according to their common names or trivial names it is the first rule of in common system for example ch4 methane c2h6 ethane c3h8 propane and c4h10 ब्यूटेन कामन सिस्टम में कार्बन नंबर वन से कार्बन नंबर फोर तक जो अल्केन होमोलोग सीरीज के मेंबर हैं इनको मीथेन ईथेन प्रोपेन और ब्यूटेन कहा जाता है ये कामन सिस्टम का जो है फर्स्ट रूल है द सेकंड रूल इज द रेस्ट आर नेम्ड बाय यूजिंग द ग्रीक प्रीफिक्सेस। The rest are named by using the Greek prefixes. Rule number two in common system is the rest are named by using the Greek prefixes that indicates the number of carbon atoms in the molecule. Thus, the prefix penta is used for five carbon atoms, hexa for six, hepta for seven, and octa for eight. एन नो नाइन एन डी का फार टेन कार्बन एटम्स द्रीफेक्स इज फॉलोड बाई द एन रूल नंबर टू जो है इसके मुताबिक अगर किसी आर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की तादाद फाइव है तो इसके लिए पेंटा कार्बन की तादाद सिक्स है तो हेक्सा कार्बन की तादाद सेवन है तो हेप्टा कार्बन की तादाद एट है तो आकटा इस तरह जो है नाम दिए जाते हैं रूल नंबर थ्री इन कॉमन सिस्टम प्रीफेक्स एन आई एंड न्यू आर यूज कॉमन सिस्टम में जो है प्रीफेक्स यूज़ किए जाते हैं एन आई एंड न्यू अब एन कहाँ पे यूज़ होता है आई सो कहाँ पर यूज़ होता है और न्यू कहाँ पे यूज़ होता है लेट्स सी द फ्पाउंड सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एन पेंटेन अगर कार्बन एटम सारे एक ही लीनियर चेन की फॉर्म में हों तो उनके लिए एन पेंटेन का वर्ड जो है यूज़ होता है जिस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर में फाइव कार्बन हैं तो पेंटेन और सारे कार्बन आइटम जो है लीनियर चेन की फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं तो ऐसी चेन को नार्मल कहा जाता है और इसको एन से डिनोट किया जाता है तो ये फर्स्ट चेन जो है इसका नाम है एन पेंटेन अब सेकंड चेन आइसो कंपाउंड्स कौन से होते हैं द सेकंड चेन इज़ सी एच थ्री सी एच टू सी एच एन सी एच थ्री अब कार्बन नंबर थ्री जो है इस पे सी एच थ्री की ब्रांच जो है अटैच है जब किसी कार्बन की लीनियर चेन पे कार्बन नंबर टू पे कोई ब्रांच जो है अटैच हो तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड जो है इनको आइसो कंपाउंड्स कहा जाता है फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री इसमें जो है कार्बन नंबर टू जो है राइट साइड से आप अगर देखें तो कार्बन नंबर टू पे जो है सी एच थ्री अटैच है ये सी एच थ्री जो है ये ब्रांच है कार्बन नंबर टू पे तो जब किसी लीनियर चेन पे ब्रांच अटैच हो तो उसको आइसो कंपाउंड कहा जाता है अब न्यू कंपाउंड कौन से होते हैं नीचे स्ट्रक्चर को देखें सी एच थ्री सी सी एच थ्री दरमियान वाला जो कार्बन है इस पर ऊपर साइड पे और नीचे साइड पे सी एच थ्री सी एच थ्री अटैच हैं जब किसी एक ही कार्बन एटम पे दो ब्रांचेस जो है अटैच हों तो ऐसे आर्गेनिक कंपाउंड को न्यू आर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है सी एच थ्री दरमियान में एक कार्बन है फिर साथ सी एच थ्री अटैच है और दरमियान वाला जो कार्बन है इसके एबो और बिलो साइड पे जो है सी एच थ्री सी एच थ्री अटैच है तो जब किसी कार्बन एटम पे एबो और बिलो साइड पे टू ब्रांचेज अटैच हों तो ऐसे आर्गेनिक कंपाउंड को न्यू आर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है फॉर एग्जांपल इस चेन का नाम क्या है न्यू पेंटेन न्यू पेंटेन इसको क्यों कहा गया है क्योंकि जो है कार्बन पे जो है टू ब्रांचेज अटैच हैं और टोटल कार्बन की तादाद जो है वो फाइव है तो ये था कॉमन सिस्टम ऑफ नामन क्लेचर नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द आयुपेक पेक नामन क्लेचर अब आयुपेक पेक नामन क्लेचर के लिए जो है कुछ रूल्स हैं वट इज़ मीन बाई आयुपेक आयुपेक मीन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड कैमिट्री आयुपेक मीन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड कमिस्ट्री In nineteen fifty-seven, a systematic method was presented for naming the organic compounds by a union of international scientists called a IUPAC system. In nineteen fifty-seven, a systematic method was presented for naming the organic compound by a union of international. आयुपेक सिस्टम दिस सिस्टम हैज सेट रूल्स फॉर नेमिंग अल्के बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर द फर्स्ट रूल इज नेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन एंड कंसिडर इट टू बी देरेंट नेक का सबसे पहला रूल ये है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चैन सेलेक्ट करें जिसमें एटम मौजूद हो। ऐसी लांगेस कंटिन्यूस चैन सेलेक्ट करें जिसमें एटम मौजूद हो। इट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ़ आई यूपेक सिस्टम रूल नंबर टू नंबर द लॉन्गे चैन नेक्स्ट रूल क्या है कि जो चैन आपने सेलेक्ट की है इसकी नंबरिंग करें रूल नंबर थ्री लोकेट द पोजीशन ऑफ उूंट बाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच रूल नंबर थ्री ये है कि जिस कार्बन एटम पे कोई सब्सिट्यूंट जो है अटैच है उसकी पोजिशन को लोकेट करें कि सब्सिट्यूंट जो है ब्रांच जो है वो कौन से कार्बन एटम पे अटैच है इट इज दर्ड रूल ऑफ नामन क्लेचर रूल नंबर फोर नेम द दब्सीट्यूंट आर ग्रुप अटैच रूल नंबर फोर ये है कि जो ग्रुप और सब्सीट्यूट अटैच है इसको नाम दें ये कौन सा ग्रुप है ये मीथाइल है इथाइल है प्रोपाइल है कौन सा ग्रुप अटैच है तो फोर नंबर रूल ये है कि जो ग्रुप सब्स्यूट अटैच है उसको नाम दिया जाता है रूल नंबर फाइव डाई ट्राई आर टेट्रा आर यूज फॉर टू थ्री आर फोर आइडेंटिकल सब्सिट्यूंट्स ईच सब्सिट्यूंट इज़ इंडिकेटेड बाई सेपरेट नंबर रूल नंबर फाइव ये है अगर सेम टाइप के सब्सिट्यूंट जो है किसी चेन में अटैच हैं तो उनके लिए डाई ट्राई और टेट्रा का वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों एक जैसे मीथाइल ग्रुप अटैच हैं तो डाई मीथाइल का वर्ड यूज़ किया जाएगा अगर थ्री जो है सेम टाइप के इथाइल ग्रुप अटैच हैं तो ट्राई इथाइल और इसी तरह मीथाइल ग्रुप हैं और उनकी तादाद जो है फोर है तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा टेट्रा मीथाइल तो ये रूल नंबर फाइव है द रूल नंबर सिक्स प्रीफिक्स द पोजीशन नंबर सेपरेट बाय कामज आर हाइफन बिफोर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूट ग्रुप व्हिच इज फॉलोड बाय द पेरेंट नेम्स इन द लास्ट रूल नंबर सिक्स ये है कि सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट की पोजीशन लिखें उसके बाद सब्स्टिट्यूट का नाम लिखें और लास्ट में जो है पेरेंट चेन को नाम दें फॉर एग्जांपल टू मीथाइल ब्यूटेन यहाँ पे जो है टू जो है ये पोजीशन है मीथाइल ग्रुप का नाम है और ब्यूटेन जो है वो पेरेंट चेन है तो रूल नंबर सिक्स ये है आई सिस्टम का कि सबसे पहले जो है पोजीशन लिखें पोजीशन के बाद जो ग्रुप अटैच है पेरेंट चेन पे उसका नाम लिखें और लास्ट में पेरेंट चेन को नाम दें रूल नंबर सेवन केस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स अल्फाबेटिकल आर्डर वेल बी फॉलोड इन केस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स अल्फाबेटिकल आर्डर वेल बी फॉलोड रूल नंबर सेवन है अगर किसी भी चेन में डिफरेंट ग्रुप्स जो है आ जाएं, तो अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल आर्डर फॉलो किया जाता है फॉर एग्जांपल कोई आर्गेनिक कंपाउंड की चेन है उसमें मीथाइल ग्रुप भी है और इथाइल ग्रुप भी है तो फिर जो है अल्फाबेटिकल आर्डर से इथाइल ई पहले आता है मीथाइल एम बाद में आता है तो पहले इथाइल को नाम दिया जाएगा और बाद में मीथाइल को तो अल्फाबेटिकल आर्डर का मतलब यह है कि जिस ग्रुप का नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले आता है उसको पहले नाम देंगे फॉर एक्ज़ाम्पल इथाइल पहले आते है तो पहले इथाइल को नाम देंगे और फिर जो है मिथाइल को रूल नंबर एट वन टू ब्रांचेज अकर एट द सेम डिस्टेंस देन चूज द नेम देट गिवस द लोअर नंबर ऑन एडिंग द पोजिशन नंबर रूल नंबर एट वेन टू ब्रांचिज अकर एट द सेम डिस्टेंस देन चूज द नेम देट गिवस द लोअर नंबर ऑन एडिंग द पोजिशन नंबर डेयर स्टूडेंट्स ये जो है रूल्स थे अब जो है कुछ चैनज हैं इनके नाम आपको बताता हूँ सबसे पहली जो चेन है इसको आप देखें इसमें पेरेंट चेन जो है इसमें वन टू तो, थ्री फोर फाइव कार्बन है और इसकी नंबरिंग जो है वन टू थ्री साइड से क्यों की गई है क्योंकि लेफ़्ट साइड से ब्रांचेज जो है वो टू पोजीशन पे आ रही हैं तो एक रूल आई सिस्टम का ये है कि नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ से जो है ग्रुप्स सबसे चूंट जो है वो नज़दीक आते हों अगर राइट right साइड से इसकी नंबरिंग करते तो ये जो है फोर नंबर पे फिर ग्रुप्स आते थे इसलिए जो है इसकी नंबरिंग जो है वो लेफ़्ट साइड से की गई है तो पेरेंट चेंज जो है इसके अंदर फाइव कार्बन हैं और कार्बन नंबर टू जो है इस पर टू सी एच थ्री ग्रुप अटैच हैं तो इस स्ट्रक्चर का नाम है टू टू डाई पेंटेन द नेम ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर इज टू टू डाई पेंटेन नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वन टू थ्री कार्बन है पेरेंट चेन में और कार्बन नंबर टू जो है इस पर टू सी एच थ्री ग्रुप अटैच हैं द नेम ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर इज टू टू डाई प्रोपेन द नेम ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर इज टू टू डाई प्रोपेन सेकेंड स्ट्रक्चर जो है उसका नाम है टू टू डाई प्रोपेन अब स्ट्रक्चर नंबर थ्री जो है स्ट्रक्चर नंबर थ्री का नाम है टू टू फोर ट्राई मीथाइल पेंटेन स्ट्रक्चर नंबर थ्री जो है इसका नाम क्या है टू टू फोर ट्राई मीथाइल पेंटेन अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसको आप देखें तो मेन चेन के अंदर जो है पेरेंट जो चेन है उसके अंदर नाइन जो है कार्बन है और कार्बन नंबर फोर जो है उस पर टू सी एच थ्री ग्रोप अटैच हैं वन सी टू एच फाइव ग्रुप जो है कार्बन नंबर सिक्स पे है और वन सी एच थ्री ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर टू पे है तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें पेरेंट चेन के अंदर नाइन कार्बन हैं इसका नाम है सिक्स इथाइल टू फोर फोर ट्राई मीथाइल नो सिक्स इथाइल क्यों कहा है क्योंकि सिक्स पोजीशन पे इथाइल ग्रुप अटैच है और टू पोजीशन पे फोर फोर पोजीशन पे सी एच थ्री ग्रुप अटैच है तो स्ट्रक्चर का नाम है सिक्स इथाइल टू टू फोर ट्राई मीथाइल अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है टोटल कार्बन पेरेंट चेन के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है और कार्बन नंबर फोर पे सी टू एच फाइव अटैच है और कार्बन नंबर टू पे सी एच थ्री अटैच है तो इस स्ट्रक्चर का नाम है फोर इथाइल टू मीथाइल हेप्टेन, फोर इथाइल टू मीथाइल हेप्टेन, फोर इथाइल क्योंकि फोर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है और टू पोजीशन पे मीथाइल ग्रुप है तो इस स्ट्रक्चर का नाम है फोर इथाइल टू मीथाइल हेप्टेन, हेप्टेन इसलिए कहा है क्योंकि पेरेंट चेन के अंदर कार्बन की तादाद सेवन है अब लास्ट की जो स्ट्रक्चर है इसको आप देखें तो इस स्ट्रक्चर में जो है कार्बन टोटल जो है पेरेंट चेन के अंदर सेवन है और कार्बन नंबर टू पे सी एच थ्री अटैच है तो इस स्ट्रक्चर का नाम है टू फाइव डाई हेप्टेन हैपटेन नंबर जो कार्बन है इस पे भी सी एच थ्री साइड पे अटैच है और पेरेंट चेन जो है इसमें टोटल सेवन कार्बन हैं तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है टू फाइफ डाई मीठाइल थर्ड नंबर ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है टू फाइव डाई थर्ड स्ट्रक्चर इज टू फाइव डाइ मिथाइल हेपटेन अब डेयर स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसको आप देखें इसमें पेरेंट चेन के अंदर सबसे पहले आप देखें कितने कार्बन एटम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन नंबर टू जो है इस पर टू सी एच थ्री ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर थ्री जो है इस पर सी एच टू सी एच थ्री इथाइल ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर फाइव पे सी एच थ्री ग्रुप अटैच है तो ये सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम है स्ट्रक्चर का नाम मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर का नाम है थ्री इथाइल टू टू फाइव ट्राई मिथाइल हेक्सेन टू पोजीशन पे दो दफ़ा जो है सी एच थ्री है और फाइव पे जो है सी एच थ्री है तो इस वजह से टू और फाइव पोजीशन पे मीथाइल ग्रुप अटैच है टू पोजीशन पे दो दफ़ा सी एच थ्री ग्रुप अटैच है इस वजह से इसका नाम क्या है टू टू फाइव और थ्री पोजीशन पे इथाइल है तो इसका नाम होगा अल्फाबेटिकल आर्डर से पहले इथाइल को नाम देंगे तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा थ्री इथाइल टू टू फाइव ट्राई मिथाइल हेक्सेन अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड नंबर पे जो स्ट्रक्चर है इसको आप देखें कि इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पेरेंट चेन के अंदर जो है स्ट्रक्चर में टोटल सेवन कार्बन एटम हैं और कार्बन नंबर टू पे सी एच थ्री ग्रुप है और फाइव पे सी एच थ्री ग्रुप अटैच है तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा टू फाइव टू फाइव डाई हेप्टेन हेपटेन टू फाइफ डाईमीथाइल हेप्टेन क्योंकि सी एच थ्री ग्रुप एक जो है टू पोजिशन पे अटैच है और एक जो है फाइव नंबर कार्बन पे है थैंक यू फॉर वॉच